स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि कोई भी इक्वेशन कोई भी समीकरण यदि एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी यदि इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो जहां ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स जो रेशनल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू जीरो है ए नॉन जीरो होगा वैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं और लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में एक्स का जो एक्स जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का मान को निकाल निकालते हैं उसे आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट ऑफ द इक्वेशन अब देखिए अब इसी के आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है वह उनके बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं पहला मेथड जो होता है फाइन एक्स वेन इट इज इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज टू सी जब कोई भी समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर सी के रूप में दिया हुआ है तो आपको यदि एक्स निकालने को कहा जाता है एक्स अननोन क्वांटिटी है एक्स वेरिएबल है है ना जो चार राशि है उसे आपको निकालना है ए एक्स प्लस बी इजक्टल टू सी तो उदाहरण के लिए देखिए टू एक्स माइनस थ्री इज्वल टू फाइव तो टू एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री बाई ट्रांसपोजिशन बाई ट्रांसपोजिंग यू विल ब्रिंग दिस माइनस थ्री टू राइट हैंड साइड इट विल बिकम प्लस थ्री देन विल गेट एक्स इज इक्वल टू एट बाई टू देन एक्स इजक्ल टू फोर दैट इज सॉल्यूशन सो सॉल्विंग by keeping variable on one side and numbers on one side this is all this is one of the method of solving the linear equation so finding the value of x finding the value of the variable you are solving by keeping variable on the left hand side and keeping the constants on the uh, right hand side you will get the answer you will get the solution of the equation now method 2 method 2 when equation is not in the form of linear equation. Suppose uh, equation is not given in the form of linear equation. When it is not in the form ax plus b plus c AX plus b is equal to c, then try to reduce the given equation into linear form. So how you will reduce? Solve the equation and try to get the value of the variable uh, or unknown quantity. One example is given 2x minus 1 upon 3x plus 5 is equal to 5. Now, solve it multiplying both sides by 3x plus 5. You are multiplying both sides by the, the denominator. Then you will get 2x minus 1 is equal to 5 into 3x plus 5. So, again, by multiplying both sides by 3x plus 5, you are getting 2x minus 1 is equal to 15x plus 25. And again, 2x minus 15x is equal to 25 plus 1 minus 13x is equal to 26. Afterwards, you will get x is equal to. 26 13 2. इस बच्चे, इस प्रकार प्रकार बच्चे बच्चों आपने देखा कि 2x 1 5, 5 3x 1 को करने पर आपका जो उत्तर मिला x इज इक्वल टू माइनस टू यह जो x इज टू माइनस टू मिला यह किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है यह लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है यही रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहलाएगा यही एक्स का मान भी कहलाएगा अब मेथड थ्री की बात करते हैं मेथड थ्री क्या है तीसरा मेथड जो है आपको बताने जा रहे हैं, वह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है इस मेथड को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं यदि कोई इक्वेशन एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टू के के रूप में हो यदि कोई दिया हुआ समीकरण आपको इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म AX B CX D K के रूप में हो, वेयर वेयर इज इज नॉट नॉट इक्वल इक्वल तब व्हाट वी विल डू, हाउ दिया हुआ समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टेप वन पहला कदम जो होगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ एल एच एस बाई ऑफ आर एच एस फर्स्ट स्टेप राइट डाउन वन नाउ अगेन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ एल एच एस यू कैन राइट डाउन टू नाउ इक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ टेन इन वन एंड टू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द अनोन क्वान्टिटीज नाउ वन एग्जाम्पल जस्ट आई एम सॉल्विंग सेवन बाई माइनस फाइव is equal to 7y minus 5 is equal to 4y plus 2 is equal to 8 by 7 cross multiply cross after cross multiplication what you will get you will get 7 times you do cross multiplication what you will get 7 times of 7y minus 5 is equal to 8 times of 4y plus 2 49y 30 minus 35 8 for 32y plus 8 eight two the 16 49y minus 32y you will bring this on lhs minus and again bring this constant quantity on rhs by transposition it will become plus 35 so 17y is equal to 15 51 y is equal to 51 by 17 y is equal to 3 that is the solution so by using this method cross multiplication method you can solve any equation which is given to you first of all you have to reduce into the form of linear equation and then solve it by using this method now afterwards I. I would like to teach you about applications, applications of linear equation. What are the applications of linear equation? Linear equation, you have you in the previous class, you have studied, you have studied, you are solving some practical problems. Also means by using the linear equation, you can solve your you can find out the unknown quantity by using the linear equation. So, what are the applications of this linear equation? How you will solve this linear equation word problem? How you will solve the word problem given in linear equation? So formulation. What do you mean by a term arises formulation? What do you mean by formulation? Formulation means translate word problem into the form of an equation. Whenever the word problem is given, you have to translate into the form of an equation. Now second one is solution means finding the value of unknown quantities in an equation. किसी भी समीकरण में फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कोई भी दिया हुआ समीकरण को आप जो है गणितीय रूप में उसे ट्रांसलेट करते हैं और सॉल्यूशन का मतलब दिया हुआ समीकरण में अननोन जो होता है अज्ञात राशि जो होता है उसकी मान को प्राप्त करना ही सॉल्यूशन कहलाता है तो व्हाट आर द स्टेप टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप रीड प्रॉब्लम केयरफुली कोई भी सवाल प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें एंड नोट व्हाट इज गिवेन दिया हुआ क्या है उसे लिखें। एंड रिक्वायर्ड और क्या आपको प्राप्त करना है क्या अननोन है क्या आपको निकालना है स्टेप टू दूसरा स्टेप आपका क्या होगा दूसरा पहला आपका होगा डिनोट अननोन क्वांटिटी जिस राशि को आपको निकालना है द अननोन क्वांटिटी जो अज्ञात राशि है जिसे आपको निकालना है जिसकी मान आपको निकालना है उसके लिए उसे आप एक्स वाई जेड से सूचित करेंगे एक्स वाई जेड लिख कर इंगित करेंगे सिंबल को एक्स वाई जेड के रूप में अंकित करेंगे अब देखिए तीसरा जो मेथड होगा स्टेप थ्री जो होगा स्टेप थ्री में ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कोई भी सवाल होगा कोई भी प्रश्न होगा यह वर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट गणितीय स्टेटमेंट के रूप में आप लिखें स्टेप चार क्या होगा यूज गिवन कंडीशन फॉर्मुलेट एन इक्वेशन यूजिंग गिवन कंडीशन जो प्रश्न में जो शर्त दिए हुए हैं शर्त के अनुकूल आप समीकरण का निर्माण करें स्टेप पांच सॉल्व इक्वेशन फॉर अनोन आप अनोन क्वांटिटीज के लिए उस इक्वेशन को आप सॉल्व करें उसका हल निकालें उस अननोन क्वांटिटीज का मान प्राप्त करें और वही अननोन क्वांटिटीज का जो मान मिलेगा वही दिया हुआ समीकरण का दिया हुआ समीकरण का सॉल्यूशन होगा रूट होगा उसके बाद अंत में आप चेक करेंगे वेदर सॉल्यूशन द सेटिसफाइज इक्वेशन और नॉट जो आपने जो सॉल्यूशन पाया है क्या दिया हुआ समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं यदि हुआ समीकरण को संतुष्ट करता है इसका मतलब आपका हल सही है आइए एक उदाहरण के स्वरूप आपको बतलाते हैं कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए अब देखिए नंबर इज सच एक नंबर दिया हुआ है सच दैट इस प्रकार से है इट इज एज मच ग्रेटर वह 84 से बड़ा एज इट इज लेस इट तब उसे और प्राप्त करें तो आपने क्या किया मान लिया सोल्यूशन रूप में लेट द नंबर बी एक्स तो आपको सबसे पहले जो क्या निकालना है दिया हुआ क्या है वह कोई नंबर है जो 84 से 84 से

एक्स माइनस एटी फोर को इक्वेट कर दिया ट्रांसपोजिंग एक्सर माइनस एक्स इट विल बिकम प्लस एक्स यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू राइट लेफ्ट इक्वेशन इट विल बी बिकम प्लस एक्स एंड अगेन ब्रिंग द And bring the constant quantity minus 84 towards right side, it is minus 84 after transposing it will become plus 84. So what you will get? 2x is equal to how much? 192. Then x is equal to how much? 192 by 2. Then x is equal to what? 29. 18 2, 6 and 12 x is equal to 96 X is equal to 96 solution here so afterwards you will check whether it is right or wrong solution check verify verify for X is equal to 96 verify this given equation for the value x is equal to 96. What is LHS? LHS is given x minus 84. What is RHS? RHS is given 108 minus x. Put it. What is 96 minus 84? It will be how much? It will be 12. Again, 108 minus 96. It will be how much? It will be 12. Here, what you have seen, what you have seen that LHS is equal to RHS. Hence, verified. Hence, verified. Means, whatever the solution you are getting after solving the word problem, whatever the solution you are getting after solving the word problem, that is right. Means, the value of the unknown quantity is satisfying the equation so hence it is the solution of the given equation in next class in next lecture i will teach you i will i will teach you about compound interest okay thank you